किसानी से जुड़ी और ट्रैक्टरों से संबंधित और कृषि यंत्रों से संबंधित वीडियो समय समय पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक नया प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं जो मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर होता है। दोस्तों, उससे क्या होता है, हम अपनी फसलों को आसानी के साथ बिजाई कर सकते हैं और बेड बना सकते हैं। बेड बनाने का फ़ायदा दोस्तों ये है कि जो मजदूरी है वो ज़्यादा लगती है मज़दूरों के द्वारा, लेकिन मशीन से काफ़ी कम मजदूरी में हमारा काम आसानी के साथ हो जाता है। दोस्तों, मैं आज यहाँ हरियाणा में हूँ, हरियाणा के बहबलपुर पट्टी में हूँ। तो दोस्तों, मैं मिलाने वाला हूँ हमारे किसान भाई से। तो किसान भाई, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार है सर आपको। नमस्कार जी। तो सर, जैसा हम आज यहाँ आपकी ये खेत देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपके द्वारा किया जा रहा है यहाँ? गाजर की बिजाई कर रहे हैं जी। अच्छा, गाजर की बिजाई कर रहे हो। तो गाजर की बिजाई सर जी मशीन के द्वारा की जा रही है? हाँ जी, मशीन के द्वारा जी। अच्छा, मशीन के द्वारा केवल बिजाई हो रही है या जो है बेड भी बनाया जा रहा है? हाँ जी, बेड बना रहा जाए, अच्छा ऊंचा बेड बनता है जी। अच्छा, गाजर के साथ साथ हम इस मशीन के द्वारा किन किन सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं? हाँ जी, कई फसल है जी, 20-21 फसल बिजाई होती है जी। गाजर, मूली है और धनिया, जीरा, कुछ भी बो इसमें मान लो। साथियों, जैसा हमारे किसान भाई बता रहे हैं हमें कि इस बेड प्लांटर के द्वारा, या मल्टी क्रॉप सीडर बोल सकते हैं, बेड प्लांटर बोल सकते हैं, इसके द्वारा अनेकों फसलों की बिजाई हम कर सकते हैं जो बेड पे होने वाली फसलें हैं, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, पालक है, धनिया है और जीरा है। दोस्तों, तो अभी हम आपको बताएंगे किसान भाई के द्वारा। तो सर जी, इस एक घंटे में लगभग कितनी बिजाई इस मशीन के द्वारा हो जाती है? 1.5 घंटे में, आधे घंटे में जी के एक एकड़ की बिजाई हो जाती है। अच्छा, 1 हेक्टेयर की बिजाई आप आधे से पौन घंटे में कर लेते। अच्छा, क्या क्या फायदा इस मशीन के द्वारा बिजाई कराने में? फायदा जी, जो सब्जी है, ये गाजर है, मूली है, इसके बेड बड़े होते हैं तो गहराई में अच्छे लंबे फसला बन जाते। अच्छा, ज्यादा गहराई तक चले जाती हैं, इससे हमारा जो है प्रोडक्शन फसल का बढ़ जाता है। और अन्य क्या क्या फायदे इसके साथ दो हम फसल बोते हैं उसके प्रोडक्शन में हमें फायदा होता है काफी? तो कितनी गहराई तक या कितनी लंबी मूली या गाजर हम इसके द्वारा? ये जी 10-12 इंच की लंबाई हो जाती है जी। और जो है फसल, जो हमारी मूली है, गाजर हुई, वो काफी चमकदार होती है, काफी चमकदार बढ़िया सुतरी फसल होती है। अच्छा, बेड बनाने का और क्या फायदा है? फायदा जी बेड का, एक तो बारिश में ये नुकसान नहीं होता, कटते नहीं, खाते। ये जो बेड है काफी ऊंचा हमें दिख रहा है इस समय, ये डूबते नहीं। अच्छा, ये पानी में डूबते नहीं है, नंबर एक तो ये हो गई। और दूसरी बात, अगर हम सिंचाई की करें, जैसे पानी की तो हर जगह दिक्कत है, अपने राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, और यूपी वगैरह में भी पानी की ज्यादा किल्लत अब दिखाई दे रही है। भविष्य जो है डार्क में चला जा रहा है हमारा पानी की तरफ से। तो पानी का भी क्या फायदा है? फायदा है जी, इसमें आधा आधा पानी का फर्क पड़ जाता है जी। अच्छा, आधा पानी, पानी का साफ खुद होते हैं, जल्दी जल्दी पानी, जल्दी जल्दी पानी चल जाता है इसमें। अच्छा, घंटे में लगभग कितनी इसकी सिंचाई कर सकते हो आप इंजन के द्वारा, इन कुओं के द्वारा? पानी का जी? हाँ जी, हाँ जी, पानी का जी इसमें 4 घंटे एकड़ में लग जाते हैं, ऐसा ही पानी है हमारे। तगड़ा पानी नहीं है, तगड़ा पानी नहीं है, पानी काफी नीचे है किसान भाइयों। लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों ने काफी अच्छी सोच इनके दिमाग में है, जो बेड प्लांटर द्वारा ये अपनी फसलों की बिजाई करते हैं, जिससे पानी की काफी अच्छी बचत होती है। दोस्तों अभी इस हम जो मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर है, इसका फुल जानकारी हम आपको देंगे, कहाँ से किस मशीन के द्वारा ये बिजाई हो रही है, कौन सी कंपनी की मशीन है, क्या नंबर है, कहाँ ये हमें हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। तो जो हमारे जो ड्राइवर भैया हैं, जो इस मशीन के द्वारा बिजाई कर रहे हैं इस समय, अभी हम आपकी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। दोस्तों, क्या फ़ायदा वो इस मशीन के द्वारा ले रहे हैं, कितनी कमाई? अभी हमने हमारे किसान भाई के द्वारा, जो हरियाणा से हैं, पूरी जानकारी हमने ली कि किस तरह से मशीन के फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और कितनी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है इस मशीन के द्वारा। तो अभी जो भैया इस मशीन को चला रहे हैं ट्रैक्टर के द्वारा, अभी उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। दोस्तों, तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अच्छा सर जी, जैसे आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, तो जैसा भैया आपने बताया, आप हरियाणा से हैं? हाँ जी, हरियाणा के हिसार। हिसार जिला, हिसार जिला से 20 किलोमीटर है गाँव बहबलपुर। बहबलपुर। तो भैया, जैसा ये आपकी हम मशीन देख रहे हैं, आपके ट्रैक्टर पर चल रही है, कितने समय से आप इस मशीन के द्वारा बिजाई कर रहे हैं? 4 साल से। अच्छा, 4 साल से कर रहे हैं, क्या खूबी है भैया इस मशीन के अंदर? खूबी तो जमींदार बदलने नहीं दे रहे मेरे को ये। अच्छा अच्छा, इसी मशीन से हम लोगों को बिजाई करानी है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप किराए पे चला रहे होंगे भैया? किराए पे चला। कितने रुपए बीघा भैया लेते हैं? मैं लेता हूँ 1400 रुपए।
अच्छा 1400 रुपया एकड़ के। हाँ जी एकड़ के, काफी ठीक ठाक रकम है। कितने एकड़ दिन में बिजाई कर देते हैं इसके द्वारा? दिन में बिजाई कर देते हैं सर 10-12 बीघा। अच्छा 10-12 बीघा आप बिजाई इसके द्वारा कर सकते हो। तो भैया आपने ये मशीन कहाँ से खरीदी थी? मैंने यहीं से खरीदी है, हिसार से 20 किलोमीटर गांव है मेरा बैबलपुर, यहीं बनती है ये। अच्छा हाँ जी। तो जो डीलर हैं या यहाँ खुद की फर्म है इनकी जहाँ से आपने मशीन खरीदी है? खुद की फर्म है। अच्छा क्या नाम है इस फर्म का? जो किसान भाई हमारे जैसे देख रहे हैं, इस मशीन की खूबियाँ जान चुके हैं, किसान भाई ने भी इसकी विशेषताएं बता दी हैं, तो कौन सी फर्म है वो सर, उसका नाम बता देंगे थोड़ा? अमन एग्रीकल्चर। अच्छा अमन विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्कशॉप। तो काफ़ी अच्छी मशीन है ये। बिल्कुल अच्छी है जी। अच्छा निश्चिंत होकर हमारे कोई किसान भाई अगर इसे लेना चाहे तो घाटे का सौदा नहीं है, फायदे नहीं, का सौदा है। फायदे का है सर, साफ सुथरे खुड बनाती है। अच्छा और हर चीज़ की बिजाई बढ़िया तरीका से करती। अच्छा है। जैसे आम फसलें कौन कौन सी हैं जो हम बिजाई इसके द्वारा कर सकते हैं? मटर, मूली, धनिया, पालक, जो भी बेड पे बिजाई होती है। अब तो गेहूं भी लगाने लग गए, कुछ लोग बेड पे भी गेहूं लगाने लगे हैं। यानी कि हम कहें कि जो जो फसलें हम बेड पर करते हैं, अन्य राज्यों में भी, हरियाणा से अलग हो गया, यूपी, राजस्थान वगैरह सभी जगह जहां जहां जो जो फसलें बेड पर होती हैं उन सभी फसलों की बिजाई हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जी सर। तो एक तो भैया अभी जो हमारे किसान भाई ने बताया कि इसमें जो पानी की बचत भी होती है, साथ साथ बीज की भी बचत होती है, तो क्या ऐसा कुछ है? हाँ जी। अच्छा बीज की बचत होती है? बीज की बचत होती है, 3 या 4 किलो डालते हैं। हाँ प्रति एकड़ में डालते हैं। और पानी की बचत ऐसे होती है कि ये रूलर लगे हैं ना, इससे जमाव हो जाता है, जमाव होने से पानी स्पीड से मतलब चला जाता है। अच्छा जैसे आम आदमी अपने हाथों के द्वारा या मजदूरों के द्वारा इसकी बिजाई कराते हैं फसलों की, तो उसमें और इसमें जर्मिनेशन में कोई अंतर होता? हाँ जी अंतर है। मशीन की बिजाई एक नंबर की जल्दी जमाव होता है, वो लेट होता है और बिल्कुल एकसार होता है, कहीं कम ज़्यादा बीज का कोई चांस नहीं रहता, कोई कम ज़्यादा नहीं। यानी कि हम कहें कि बिल्कुल परफेक्ट मशीन हमारी फसलों की मतलब सब्जियों की बिजाई के लिए ये है। हाँ जी, जो कि आप हम हमारे व्यूअर्स को या कोई और भी इसको ख़रीदना चाहें तो अमन विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स पर मिल जाएगी, जो कि बाड़ोपट्टी जिला हिसार हरियाणा में पड़ता है। जैसे मशीन तो देख ली, काफ़ी अच्छी खूबियाँ इस मशीन के अंदर हैं, मान लो कोई ख़राबी इसमें आ जाती है तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह की उपलब्ध करा देते हैं ये? हाँ जी। अच्छा स्पेयर पार्ट आसानी के साथ मिल जाते हैं। अच्छा टूट फूट कुछ है इसके अंदर? टूट फूट अभी तक तो आई नहीं है सर, 4 साल हो गए। हाँ जी। यानी कि हम कहें कि कोई भी जो है ख़राबी इसमें ना के बराबर ही है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है जो ख़राबी हो। अच्छा स्पेयर पार्ट आसानी के साथ मिल जाते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों इस मशीन को ख़रीदने के लिए आप जो नंबर आप सामने देख रहे हैं इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको वीडियो के स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहे होंगे। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।